Assalamualaikum, welcome to Alfredi Securities, one of Pakistan's leading stock brokerage firms. मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट रैप के साथ. तो आज हमने एक और अच्छा दिन देखा स्टॉक मार्केट में. प्रॉफिट टेकिंग हमें थोड़ी नजर आई है, बट दैट इज हेल्दी फॉर द मार्केट. और लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो वही जो बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस लेवल है 47,900, 48,000 का, वहां से आके मार्केट वापस थोड़ा पीछे की तरफ आई. और आज का हाई था 47,980 का और लो टच हुआ 47,709 का. तो हमने सपोर्ट देखी 47,700 के लेवल पे. सो ये एक अच्छी खुशाइन बात है. वॉल्यूम्स में थोड़ी इंप्रूवमेंट और नजर आई है. आज 165.23 मिलियन शेयर का काम हुआ केएससी 100 में, और केएससी ऑल शेयर इंडेक्स में 532 मिलियन शेयर का काम हुआ, 532.9 मिलियन शेयर. तो इवन ऑल शेयर इंडेक्स में भी वॉल्यूम्स में इजाफा नजर आया है. तो वॉल्यूम्स के साथ ऐसा हम देख रहे हैं कंसोलिडेट हो रही है मार्केट, और ये एक अच्छा साइन है. कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट देखी नजर भी आई, लेकिन वहां पे हमको नीचे सपोर्ट भी नजर आ रही थी. तो ये भी एक आई थिंक थोड़ा सा इसमें हौसला आना चाहिए इन्वेस्टर्स को. अब सो तीन दिन इस हफ्ते के ट्रेडिंग के गुजर चुके हैं, मार्केट पूरा ऑफ द प्लस गई है. आई थिंक अभी भी हमको अगेन डेली बेसिस पे जो खबरें हैं उनको मॉनिटर करना पड़ेगा. कोविड की सिचुएशन को मॉनिटर करना बड़ा जरूरी है. कल भी हम इसको देखेंगे. ऑयल थोड़ा नीचे आया था, तो हमने देखा कि जो ऑयल के स्टॉक्स थे वो थोड़ा सा, वैसे भी ओजीडीसी पीपीएल मैंने पहले ही बात की है कि ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. बट और सीमेंट सेक्टर में भी चूंकि डिस्पैचेस के नंबर कल आए थे, और सीजनल होता है जुलाई अगस्त में, सबको पता है कि पाकिस्तान में बारिशें होती हैं, तो बारिशों के सीजन में कंस्ट्रक्शन ज़रा कम हो जाती है. तो वो डिस्पैचेस के नंबर्स कम थे, तो इसलिए हमने देखा कुछ सीमेंट स्टॉक्स नीचे भी आ गए. बट एट द सेम टाइम कुछ सीमेंट के स्टॉक्स में हमने कंसोलिडेशन भी देखी है. मेपल लीफ आज कंसोलिडेट होता रहा. वॉल्यूम्स वैसे ही हमने देखे हैं सीमेंट सेक्टर में बहुत कम नजर आ रहे हैं. सीमेंट स्टॉक्स में भी इंडिविजुअल उठा के देखें तो बहुत कम वॉल्यूम्स है, बट कंसोलिडेशन नजर आई मेपल लीफ सीमेंट में. सो और उसकी प्राइस भी प्लस ही बंद हुआ, नेगेटिव बंद नहीं हुआ है. सो ऑल इन ऑल आई थिंक अभी भी मार्केट मेरे हिसाब से जो है वो एक कंसोलिडेट कर रही है, और डिप्स पे एक्यूमुलेशन अभी बनती है. कुछ स्टॉक्स जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो तेजी से बढ़ गए थे वहां पे हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी. आज गुल अहमद टेक्सटाइल में हमने एक मौके पे 3 रुपए नीचे आ गया था, बट नॉट बिफोर जो है उसमें हमने सुबह जब मार्केट खुली थी तो इंक्रीज भी देखा था. तो जाहिर है कि थोड़ा और ऊपर गया स्टॉक प्राइस, फिर वहां पे प्रॉफिट टेकिंग आई, और फिर जाहिर है कि नीचे भी आई, लेकिन नीचे हमें स्ट्रांग सपोर्ट भी नजर आई. बिकॉज जितना क्विकली वो रिकवर हुआ 1 रुपया अपना जो उसने लो बनाया था, उससे भी ये जाहिर होता है कि नीचे आज सपोर्ट है अच्छे स्टॉक्स में. वंस अगेन स्टील सेक्टर में इंटरनेशनल स्टील, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज ने परफॉर्म नहीं किया, आयशा स्टील ने परफॉर्म नहीं किया. बट ऑन द अदर हैंड बोगल स्टील में हमको बाइंग नजर आ रही थी, वहां एक्युमुलेशन थी. ऑटो सेक्टर में गंदारा काफी बढ़ चुके थे, तो वहां पे हमको थोड़ी और प्रॉफिटिंग नजर आई. बट पार्क सुजुकी और होंडा कार में हमको थोड़ी बहुत एक्युमुलेशन नजर आई है. आई थिंक साजगार में भी थोड़ी थोड़ी एक्युमुलेशन नजर आ रही है. सो आई थिंक अभी भी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि डिप्स पे जो है एक्युमुलेशन करें अच्छे स्टॉक्स में, और इंट्राडे बेसिस पे गेन्स मिलते हैं वहां बुक कर लें, या होल्ड करना चाहें तो होल्ड कर लें. और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने एक्स नंबर ऑफ स्टॉक्स लिए हैं और प्राइस बढ़ जाती है और आप सारे नहीं बेचना चाहते, तो कम से कम आधे बेच दें, 25% बेच दें, वट एवर दैट यू फील कन्वीनियंट. लेकिन थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें टिल वॉल्यूम्स इंप्रूव हो मार्केट में. और ये जो 48,000-47,900 का क्रूशल लेवल है, इसके ऊपर मार्केट बंद नहीं होती. क्लोजिंग बेसिस पर अगर इसके ऊपर बंद हो जाती है, तो फिर आई थिंक थोड़े से वॉल्यूम्स इंप्रूव होंगे, एंड देन यू कैन होल्ड ऑन टू योर पोजीशंस, या नई पोजीशन लेके थोड़ा सा होल्ड करके और ऊपर बेच सकते हैं. सो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स में जो है वो बाइंग आ रही है, वॉल्यूम्स बिल्ड हो रहे हैं, और जैसे जैसे बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस होंगी और उनकी बोर्ड मीटिंग की डेट्स करीब आएंगी और अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन होगी, तो प्राइस ऊपर जा सकती है, उम्मीद यही है. सो इसी स्ट्रैटेजी भी काम करना चाहिए. आज एक खबर बस बता दूं कि डॉलर थोड़ा सा नीचे आया है, रुपया अप्रिशिएट हुआ बाय अबाउट 42 पैसा इंटरबैंक मार्केट में, जो 163.89 पे चला गया था, तो 163.47 पे आज क्लोजिंग हुई है. थोड़ी सी अप्रिसिएशन हमको नजर आई है रुपये की वैल्यू में. सो दैट्स अबाउट इट. हैव अ नाइस इवनिंग. इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी सुबह. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.